तो जी जनाब, ये मैं हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो सबको चांद मुबारक, क्योंकि हमारी तो यहाँ पर कल अल्हम्दुलिल्लाह ईद है। 29 रोजे हुए हम लोगों के। पाकिस्तान में भी मैं देख रही थी तो पाकिस्तान में कल एक और रोजा है और सैटरडे को ईद है, मतलब तो फ्राइडे जमातुल बिदा सबने किया था, कितनी अजीब बात है। खैर एनीवे, रुअते हलाल कमेटी जिंदाबाद पाकिस्तान की। तो ये जी जनाब मैं कर रही हूँ, ये मैं छुआरे कर रही हूँ। मैंने शीर खुरमा बनाना है जो कि एक रवायत भी है। तो मैंने कहा आपको सिंपल, मैं इतनी फैंसी चीज़ें नहीं बनाती, मतलब वो चीज़ें नहीं डालती कि जो घर में अवेलेबल ना हो। तो ये देखिए, ये मैं छुआरे भगो रही हूँ, भगोंगी नहीं मैं इनको, कोशिश करूँगी कि थोड़े से पक जाए, क्योंकि ये भगोना तो ओवरनाइट होता है, तो ओवरनाइट कल सुबह में टाइम नहीं होता, क्योंकि हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ के बाहर निकल जाते हैं, वो हम घर में नहीं स्पेंड करते। ये बना रही हूँ खीर बना रही हूँ, क्योंकि मैंने छुआरे निकाले थे शीर खुरमा के लिए, तो मेरे पास सेवइयों की शॉर्टेज हो गई है। तो अब वो तो कल आने में, कल ईद है यहाँ, तो मेरे पास ये रखी हुई थी, खीर रखी हुई थी, खीर मिक्स रखा हुआ था। वैसे तो मैं खीर अपनी रेसिपी से बनाती हूँ, लेकिन ये मेरे पास रखा हुआ था, कोई खाता है नहीं खीर, तो सवाए मेरे बेटे के, वो शौक से खाता है, तो मैंने कहा चले खीर मिक्स बना लेते हैं, कल कुछ और बना लेंगे। वैसे तो रवायत के मुताबिक सवैयाँ होती हैं, लेकिन हमने कहा चले आज ये रवायत तोड़ देते हैं। तो जब ये रेडी हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगी। बताने का मकसद ये है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, मजबूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप खीर ना, बाज़ लोग तो इस पर भी लड़ रहे होते हैं ना कि आपने शीर खुरमा नहीं बनाया, शीर खुरमा नहीं बनाया। तो खैर, ये मैंने, मैं अब खीर को जब रेडी कर लूँगी फिर मैं इसकी आपको फाइनल लुक इस आपसे शेयर करूँ। तो जी ये देखिए, यहाँ पर ये हो गई इंस्टेंट खीर का, ये इंस्टेंट जो मिक्स होता है उसका यही फ़ायदा होता है कि खीर झटपट मतलब रेडी हो जाती है जल्दी। तो जो छुआरे थे जो मैंने भिगो दिए थे वो मैंने इसमें डाल दिए, हम उनको क्यों ज़ाया करें, खाए जाएंगे, खा लेंगे। ये देखिए जी, ये है इसकी फाइनल लुक। इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, तो इसलिए मुझे ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये खूबसूरत नहीं लगता डेकोरेट ना हुआ हो, लेकिन ये है कि इसके अंदर इनफ चीज़ें हैं। मैंने बनाया है अभी, ये इसमें भी आज पूरा हो जाएगा, मैंने कहा इसको निकाल लेते हैं। तो ये मैंने दही फुलकियाँ बनाई हैं, ये अभी भी काम इफ्तारी में भी आ जाएगा काम, और इसके बाद ये हम कल भी ईद है कल, तो ईद में भी ये काम आ जाएगा।